गाइस कैसे आप सभी, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और गाइस और आके बस देखो लड्डू के लिए लेके आए हैं वॉकिंग, ये टॉकिंग टॉय नहीं होते जो, वो लेके आए हैं। और ये इसको देखो, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या है। लड्डू बोलो, ऐसे बोलो, इसमें उठो, आप उठो एक बार। गाइस हम तो इसको खिलाने के लिए लाए, और ये देखो इसे डर रहा है, जा नहीं रहा। लड्डू मम्मा, हेलो पापा, पापा नाना, हेलो नानी, मामा, ए बोले क्या हाल है पार्थ? कैसे हो? अच्छे हो? आपने खाना खाया? और नहीं गाइस, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लेके आए हैं ये। और गाइस अनिल हमारे लिए लेके आए हैं आज बहुत दिनों बाद ये चाउमीन, ये लाए हमें चाउमीन। और लड्डू के लिए ये लेके आए थे अभी, और इसके लिए लगाए हैं ये पेंसिल, ये इसके नहीं इसकी माँ के काम आएंगे। ये देखो जी कितनी क्यूट क्यूट सी, दिखाओ कितनी क्यूट क्यूट सी है, कितनी अच्छी लग रही है ना। पकड़िए लड्डू, पकड़ो ऊपर से, पकड़ो यहाँ से, तो गाइस ये टॉकिंग टॉयज आजकल आते हैं तो बच्चा बोलने थोड़ा सीख जाता है, तो यानी लेके आया भाई आप आज, तो बस अभी नया बस लेट गए थे थोड़ा सा, क्योंकि सारा दिन यार बहुत बिजी रहते हैं। आज थोड़ा सा फ्री डे था तो आज घर में क्लीनिंग वगैरह कर ली, क्योंकि नवरात्र आए हुए हैं आप लोगों को पता ही है, मतलब आने वाले हैं, तो धीरे धीरे कर लेते हैं, एक साथ तो होगा नहीं, ना ही उतना समय है। तो अरे लड्डू इससे अब इसको थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर हो जाएगा, उसके बाद ये इसके साथ खेलेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, वैसे तो व्लॉग सुबह से तो बनाया नहीं था, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो होप आप सब इन्जॉय करेंगे। हाथ मिला उसे, इसको समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइस मिलते हैं, कैसे भाई अभी हो गए शाम के 6 बज चुके हैं और हम खा रहे थे केवा, जो कि कल सोनाली घर से बना के लाए थे, उसको आते थे तो उसने सिखाया कि कैसे बने बढ़िया। और देखो भाई लड्डू भी दिखा रहा है और ये खा भी रहा है। कैसे लड्डू? लड्डू टेस्टी करके बताओ, टेस्टी टेस्टी, अच्छे है ना? तो बहुत बढ़िया बने भाई, और खाते हैं मतलब अच्छे हैं, बढ़िया फैन मट्ठी खाने से बढ़िया ये खा लो तो बढ़िया, एक बिस्किट की तरह से। और सबसे बड़ा आटे सूजी के, चलो जी खाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर चैनल, कैसे हैं आप सभी, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज कल हमने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था, अनिल जो है वो लड्डू के लिए एक टॉय लेके आए थे। आज मैं हूँ फ्री भाई एकदम, क्योंकि ना बहुत टाइम से ऐसा हो रखा था, सुबह जल्दी उठो, अपने कामों में लगो, फिर घर के काम करो आने के बाद, तो ना लाइफ ऐसी हो गई थी एकदम कि मशीन की तरह चले जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा आज हम पूरा दिन मतलब वो करेंगे जो मेरा मन करेगा। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और हमने शावर वगैरह कर लिया, लड्डू नहा लिया है, अनिल अभी नहीं नहाया, पूजा वगैरह हमने कर ली है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर ली है। तो उसके बाद अभी मैंने खाया एप्पल, लड्डू ने भी एप्पल खाया है थोड़ा सा, और हमारे घर पे आया क्योंकि इनके हो चुके पेपर ख़त्म क्या, तो ये आया हुआ है लड्डू के साथ खेलने के लिए, इसकी बहन के भाई पेपर आज ख़त्म हो जाएंगे, वो गई है पेपर देने के लिए।
तो अभी कल वाला व्लॉग मैं इसके आगे ही ऐड कर दूंगी, मतलब 2 दिन का व्लॉग हो जाएगा ये। कल बहुत छोटा व्लॉग था, वो शायद 1-2 मिनट का होगा, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा उसको बनाया नहीं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो दिखाएंगे आप लोगों को जो भी चीज़ें होगी। तो आज भाई मैं घर पर हूँ एकदम मस्त। आज बहुत टाइम हो गया पराठे नहीं खाए हमने किसी भी चीज़ के, नहीं तो मैं पहले ना हर 10 दिन में 15 दिन में ना मैं पराठे बना लिया करती, हर हफ्ते भी बना लिया करती, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है ना आलू के ना किसी भी चीज़ के, मतलब पराठे ही खाने का ही समय नहीं आती हूँ। बस जल्दी जल्दी जो दाल चावल रोटी सब्जी जो बनाया जाता है फटाफट से वो बना देती हूँ। वो भी अनिल घर, अनिल भी आज घर पे ही है। मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे काम पर अपने। कहाँ जाना है आपको? अपने ऑफिस पे जाएंगे, काम करेंगे। कुछ कहना चाहोगे? वही हमारे तो ये भागदौड़ जिंदगी है। मेरे से ज्यादा भागदौड़ थोड़ी है। हाँ भाई ठीक कहते हो तुम्हारी, देखो सुबह लड्डू बर्फ और फिर शाम को ऑफिस में जाओ। तो आप चले जाते तो मैं नहीं रखती क्या लड्डू को? बकवास कर रहे हो। संघर्ष ही जीवन का नाम है। लेकिन अनिल जाते हैं 2-4 दिन। अभी जब मैं जिम जाती थी तब तो ये था मुझे भी जिम जाना है, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैंने जिम छोड़ दिया अनिल के चक्कर में। लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया और अनिल भी नहीं जाते। बाकी हम तो भैया फिट एंड फाइन है। बाकी मेरे वो लड्डू अपने टॉकिंग टॉयज के साथ काफी खुश है, बट अभी उसकी चार्जिंग पे लगा रखा है उसको, और अभी इसको नहा लिया है, सुबह से बहुत जल्दी उठा हुआ है आज। और लड्डू ना सुबह 7:30 बजे उठ गया था। पता ही क्या है, मैं सोची थी आज मैं पूरा दिन सोऊंगी ये नहीं, पर मेरी आँख आज भी सुबह 6:30-7 बजे खुल गई। फिर यानी कि एक फ्रेंड आए थे सैंपल वगैरह देने के लिए, उनका सैंपल वगैरह लिया और उसके बाद बस उठे ही हुए हैं, उसके बाद से नींद नहीं आई। तो चलो गाइस खाना पीना बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्या करेंगे आज पूरा दिन। भी हो चुका भाई खाने का टाइम और बच गया एक और लड्डू का, चार्जिंग पे लगा रखा है, लड्डू सो गया क्योंकि सुबह 7:30 या 7 बजे उठ गया था और सोया भी रात को बहुत लेट था। तो अभी मैं पराठे और भी पनीर के, ये देखो भाई अनिल ने खा लिया, अनिल पराठे नहीं खाएंगे भाई, क्योंकि क्यों नहीं खाओगे भाई जान, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। दिला दो भाई कोई किसी को दरो हो तो दे दो। तो गाइस अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि लड्डू भी सो गया है और नेमत किचन वगैरह जो है वो ज़्यादा साफ ही है यार। तो बस अभी खाना खा लेते हैं, मेरा बहुत मन था आज पराठे के, रख के आओ उसको फ्रिज में, रख के आओ ना पराठे खाने का। बट मेरे को ना आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, ये थोड़ा सा रखा हुआ था पनीर, तो मैं कल बना लेते हैं। और चलो गाइस खा लेते हैं मस्त एकदम बढ़िया। ये ले आया था पिकल मांग के, अच्छी है तो बता देना। गाइस अनिल के पास कपड़े नहीं है, कह रहे हैं मैं कल टी शर्ट मांग के लाया था, देख रहे हो। तो दिस इज माय पनीर पराठा। देखो जब उठ जाएगा खिलाते पिलाते मिलते हैं आप लोगों से। कर रहे हो? मैंने बनाई एक कॉफ़ी बढ़िया सी और जो कि दोनों पी रहे, मेरे को दे नहीं रहे। कुछ तो लड्डू ऐ दे दे मेरे को भी। नहीं बकवास करते रहते हैं हम, कोई शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जा रहे हम, अपनी बुक्स और किताबें और वहाँ जा रहे हैं नए आर के वहाँ पे, क्योंकि वो बस ऐसे क्योंकि वो क्या आगे बोलो, मैं तो झूठ बोल रहा था ताकि सच में बुलवा सकूं। शॉपिंग वॉपिंग करने कहीं नहीं जा रहे गाइस हम, ये बकवास कर रहे हैं। नहीं हम शॉपिंग नहीं जा रहे, हमारा इतना जॉब नहीं है, शॉपिंग करने जाए नॉर्मली बस फिर जाएंगे। और गाइस ये मैंने बनाई है कोल्ड कॉफी अपने लिए, खुद के लिए मैंने बनाई, किसी ने नहीं बनाई, देख रहा हूं। आई लव कोल्ड कॉफी। मेरे बाल कितने मोटे हो गए। ये फुहारा कहते होते जैसे मुंह हो रहे हैं। ठीक जा देखो ये इतना बोल रहे हैं। तो गाइज मेरे को लेनी थी कुछ बुक्स, तो हमने वो ली क्योंकि आज था थोड़ा सा फ्री डे, तो सोचा चलो बुक। और गाइज ये मैंने बनाई है कोल्ड कॉफी अपने लिए, खुद के लिए मैंने बनाई, किसी ने नहीं बनाई, देख रहा हूँ। आई लव कोल्ड कॉफी। मोटे हो गए।
ये फुहारा खेतते जैसे मुंह हो रहे हैं। ठीक जा देखो ये ना बोल रहे तो गाइज मेरे को लेनी थी कुछ बुक्स तो हमने वो ली क्योंकि आज था थोड़ा सा फ्री डे तो सोचा चलो बुक्स वगैरह भी ले लेते हैं। कुछ सिलेक्टिव सी बुक मुझे लेनी थी तो मैंने वो खरीदी। उसके बाद हम पास में ही निहार का घर था तो निहार के वहाँ गए थे और भाई नेहा अपने घर आई थी इसलिए हम सोचा चलो मिल लेते हैं। और यहाँ पे आंटी जी की भी बस तबीयत ऐसी ही रहती है तो हम थोड़ा सा मिल मिल के आ गए फिर घर आ गए अपने। और जैसे हम रोहिणी साइज अपना सामान वामान लेके हमने सबसे पहले बनाया अपना जमराई रखी थी उसका घी बना रहे हैं और खिचड़ी बनाई है और हमने बनाए पापड़। आते टाइम भाई भिंडी लेके आए हमने धो के रख दिए इसे बनाने में दिक्कत नहीं हुई। और ये हमारा हो रहा है और ये हमारी मोतमा जी हैं जो कि बिल्कुल कैसे हो जो कि बिल्कुल बेकार हैं भाई बहुत मेहनती है देखो कितना काम करते आते इनको दिल से सलूट। भाई मैं बाहर से आती हूँ ना मैं 5 मिनट भी नहीं बैठती ताकि लेट ना हो जाए जल्दी काम करेंगे तो जल्दी सोएंगे। और आते ही कपड़े उतारे फोल्ड करे सारे के सारे अलमीरा में लगाए सारी चीज़ें रखी क्योंकि फिर सुबह में कुछ नहीं हो पाता है। और अपने लड्डू गोपाल के सारे कपड़े धोए खाना बना दिया साथ साथ में घी मलाई रखी थी तो उसे घी बनाया। तो गाइस बस इसके बाद खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर राम राम जी सभी को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो।